आज मैं आपके साथ स्नेक प्लांट की जो प्रोपगेशन है उसके ऊपर वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए मेरे पास जो ये प्लांट पड़ा है इसके बहुत सारे जो है बेबी पप्स हैं जो निकले हुए हैं, जिनको हम निकाल कर मैं इन छोटे छोटे प्लांटर्स में लगाऊंगा। देखिए कितना सुंदर है ये छोटा सा स्मॉल प्लांट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसके लिए जो मैंने मिट्टी बनाई है उसके में मैंने गार्डन सॉइल, वर्मिंग कंपोस्ट और थोड़ी सी गोबर खाद सूखी वाली वो मैंने ऐड की है, जो इसके लिए इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। तो मैं अब जो इसके बेबी पप्स हैं उनको निकालने जा रहा हूँ, तो मैं निकाल के शुरू करता हूँ। तो मैंने एक बेबी पप्स स्नेक प्लांट का निकाल लिया है, तो मैं प्लांटर में मिट्टी ऐड करता हूँ। प्लांटर में मिट्टी भरने के बाद मैं इस छोटे इस पप को बेबी प्लांट को इसमें ऐसे प्लेस कर देता हूँ, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। तो मिट्टी हमने भर दी है, देखिए कितना सुंदर हमारा एक छोटा सा पॉट है जो रेडी हो चुका है। हमारा एक तो जो पॉट है वो रेडी हो चुका है एक प्लांट का। अब हम इस पॉट के लिए एक छोटा सा बेबी पप्स और निकालते हैं इस प्लांट में से, ये वाला अच्छा रहेगा। तो मैं निकाल के शुरू करता हूँ। तो दूसरा पप भी है जो हमने निकाल लिया है, अब हम इसको भी दूसरे में प्लेस करेंगे प्लांट में। तो इस पॉट में भी हम भर लेते हैं मिट्टी। बस इसको सेम जैसे हमने पहले वाला प्लेस किया था इसको भी ऐसे ही कर दें, इसमें मिट्टी भर दें। ये फ्रेंड्स हमने इस प्लांट में मिट्टी भर दी है अच्छे से दबा दें, और आप देख सकते हैं हमारे दो कितने सुंदर और छोटे से जो स्नेक प्लांट है वो तैयार हो चुके हैं। सो ब्यूटीफुल। आप भी ऐसे जो बेबी पप्स उनको निकाल के छोटे प्लांटर में आप रखे डाल के उनको बना सकते हैं और इंडोर रख सकते हैं आप इनको, बहुत ही सुंदर ये लुक देंगे आपके अंदर। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।